मेरे बातों पर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास बहुत खतरनाक है, विचार करने की आवश्यकता है। साहेब कबीर कहते हैं, करूं विचार ते सब दुख जाई। मनुष्य के अंदर केवल एक विचार आ जाए तो सारे दुखों की निवृत्ति हो सकती है। आज तो लोग विश्वास पर चल रहे हैं। कोई गुरु जी ने विश्वास की बात कह दी, अभी आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम में विश्वास की बातें चल रही है। विश्वास की बात कह दिया, उसी पर लोग मारा मारी आपाधापी करने में लगे हैं। नहीं, विश्वास नहीं विचार की बात चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं शंका की बात चाहिए, अनुमान नहीं अनुभव की बात चाहिए, और मानना नहीं जानने की बात चाहिए। और हमारा विद्वान लिखा, आई कीप सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो, मैं कुछ नहीं जानता हूं। और अपने पास 6 कर्तव्य परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं, जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है। और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट व्हाई हू व्हेन वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या कौन कहां क्यों कब और कैसे। ये मानव के अंदर ये शंका अगर हो जाए तो जीवन की गाड़ी गंतव्य पर पहुंच जाएगी। लेकिन आज लोग अंधश्रद्धा में सारे लोग घूम, श्रद्धा नहीं अंधश्रद्धा। मैंने कहा कर्म कांड, जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है। अगर जीना है, अगर भोजन मिलना है, वस्त्र मिलना है, घर में रहना है, बिछावन पर सोना है, गाड़ी पर चढ़ना है, तो इसके लिए तो कर्म की आवश्यकता है। आप बिजनेस करें, खेती करें, नौकरी करें, सिनेमा में रहें, सर्कस में रहें, क्रिकेट में रहें, पशुपालन करें, जीने के लिए। सदगुरु कबीर रात रात भर ताना बाना चलाकर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहेब बकरी चढ़ाते थे, ईसा मसीह भेड़ी चढ़ाते थे, भगवान कृष्ण गाय चढ़ाते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रैदास जी जूता टांगते थे, और सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है, सुख के लिए कर्म की आवश्यकता है, लेकिन शांति के लिए कर्म की कोई आवश्यकता। कर्म से शांति नहीं मिलती। देखते हैं आप, बहुत लोग धन कमाकर 5-5 बीघा जमीन, बहुत बड़ा 5 महल 10 महल 20 महल का मकान बनाते हैं, बेटा सबको नौकरी, दरवाजे पर स्कॉर्पियो बोलेरो फॉर्चूनर सफारी गाड़ी लगी है। लेकिन जब उसे आत्मा में शांति नहीं मिलती है तो सारे धन के रहने के बाद भी वो व्यक्ति पॉइजन खा के, रेल में कट के, आग लगा के, फांसी लगा के मर जाता है। क्यों? सुख तो है लेकिन शांति के अभाव में वो व्यक्ति अपना प्राण गमा देता है। सबसे बड़ी महत्ता हमारे जीवन में शांति की है। आज पूरे दुनिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, औरत मर्द सबके सब कर्म कांड में भीड़े।
ये गंगा जमुना कृष्णा कावेरी गोदावरी त्रावती नर्मदा नदी में नहा लेना कोई ज्ञान कांड नहीं, ये कर्म कांड। नहाने से मनुष्य को कोई ज्ञान हुआ नहीं, वो मुंह से गाली पड़ता है नहाने के बाद, जर्दा की माम खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, चाय पीता है, झूठ बोलता है, दलाली खाता है। रामायण महाभारत गीता पढ़ लेना कर्म कांड है। पढ़ने वाले भी दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं। शरद सत्यनारायण व्रत कथा या श्रीमद भागवत कथा कह लेना ये कर्म कांड है। पूरा दुनिया बहुत सारे कबीरपंथी भी कर्म कांड में लगे हैं। कर्म से हमारे जीवन में शांति कभी नहीं आ सकती है। शांति के लिए तो आत्मज्ञान की आवश्यकता है। पूरा सब लोग लगे हैं कर्म कांड में। कर्म के साथ शाखा होते हैं, यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान पतिग्रह मैथुन यज्ञ करना यज्ञ कराना दक्षिणा लेना दक्षिणा देना विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना और बच्चा पैदा करना, ये सातों कर्म कांड। बंधुओं साहब कबीर बीजक से कहते हैं, सार शब्द से बांची हो मानहु इतवारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन वाके डारा हो, तिरदेवा शाखा भय पल्लव भय संसारा हो, ब्रह्मा वेद सही कियो शिव जोग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति कियो ये उरले व्यवहारा हो, तीन लोक दसहु दिशा जमरोकिन द्वारा हो, कीर भये सब जियरा लिए बीस का चारा हो, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो, कर्म के बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो। ये कर्म की बंसी, सारे लोग उसी बंसी में फंस रहे। ये कर्म तीन गुण है, तीन रजोगुण तमोगुण सतोगुण, काम क्रोध लोभ इंगला पिंगला सुख मना और गंगा जमुना सरस्वती। ये तीन गुण का घेरा है जीव के ऊपर, इसीलिए तो कबीर पंथ में तीन बंदगी हो रही है और सारे पंथ में एक बार नमस्कार नमस्ते दंडौत प्रणाम सलाम वालेकुम जय हिंद जय भारत हरिओम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट। लेकिन कबीर पंथ में जो तीन बार बंदगी हो रही है, इसका मेन कारण है कि हम तीन गुण के रस्सा से बंधे हुए हैं। यही तीन गुण है जीव के ऊपर, काम का गुण जो काम ब्रह्मा का दिया हुआ है, लोभ विष्णु का है और क्रोध शंकर का है, यही तीन है। यही काम क्रोध लोभ का जो हम लोगों के ऊपर छाप पड़ा है, इसी के फेर में हम कर्म कांड, ब्रह्मा जी का लाया हुआ कर्म कांड है। सुना आपने कहा कर्म के बंसी लाए के पकड़ो जग सारा। काल ने सदगुरु कबीर साहब से चैलेंज किया कि कबीर
कितने जीव को आप निकाल सकोगे, कितने को पार कर सकोगे। मैं ऐसा दुकानदारी चलाऊंगा, मैं ऐसा दुकान खोलूंगा कि सारे जीव हमारे दुकानदारी में चले आएंगे। चैलेंज किया और कहा, पाप पुण्य के करब पसारा, जे बाजे से जीव हमारा। पाप पुण्य हमरे से होई, लेखा हमार लिहे नहीं कोई। वो काल उस दिन था, आज नहीं है, सो बात नहीं है, वही काल ये मन के रूप में है। इतनी दुकानदारी चलाई जा रही है, सारे लोग उसी में जा करके फंस रहे हैं। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को पोता चाहिए, किसी को नाती चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को मकान चाहिए। ये लोभ की दुकानदारी। काल ने कैसा दुकानदारी खोला, लोभ का दुकानदारी खोला है, काम का दुकानदारी खोला है और क्रोध का दुकानदारी खोला है। और इसी काल के दुकानदारी में सारे लोग फंस रहे। बंधुओं, कैसे बचना है, कैसे बचेंगे हम जब मल्लाह मछली मारने वाला जब बंसी गिराता है पानी में, उस बंसी में चाली गांठ के गिराता है, लोभ के लंपट मछली, जिभ्या के लंपट मछली, स्वाद के लंपट मछली जाके उस बंसी को पकड़ती है चाली के लोभ में। और जो बंसी को पकड़ती है तो बंसी में वजन हुआ, ऊपर में एक लकड़ी बांध के रखता है। जब मछली बंसी को पकड़ लिया तो लकड़ी अप डाउन करने लगता है। वो बूझ गया मछली मारने वाला, जो मछली फंस गई है, सिग्नल मिल रहा है। ऐसा झटका मारा मछली के गलफारा में, वो फंस गया बंसी, अब बेचारी मछली मारी गई, लोभ में मछली मारी गई। यही लोभ में हम लोग फंस रहे हैं। और साहब कबीर कहते हैं, और मुर्गा पोसने वाला मुर्गा का बच्चा जब देता है तालाब में, पोस पाल करता है खूब, और जब दो चार पांच किलो के मुर्गा हो गया, उस समय उसका ब्रह्मा का रूप रहता है, सृष्टि कर दिया मुर्गा के, बीच में पालन करता है नाना प्रकार के चोकर चुन्नी विटामिन दे दे करके मुर्गा को पालन करता है। और अंत में जब 10-5 किलो के मुर्गा हो गया, ब्रह्मा का रूप पकड़ के सृष्टि किया, विष्णु का रूप पकड़ के पालन किया और अंत में शंकर का रूप पकड़ के और सारे मुर्गा का संहार कर दिया। मछली पालने वाले भी वही करते हैं, यही तीन गुण में। साहब कबीर कहते हैं, रक्षक कला दिखाई के वो मुर्गा वाला मुर्गा को रक्षक कला दिखाता है, सेवा का भाव दर्शाता है मुर्गा के प्रति, लेकिन अंत में क्या होता है, सारे मुर्गा का खात्मा वो कर देता है। शंकर के गुण में आया और सारे मुर्गा को जब्बा करा दिया। वही हाल मछली वाले का है। पहले तो वो मछली का जीरा तालाब में देता है एज ए ब्रह्मा, उसका पालन करता है एज ए विष्णु, और अंत में जब 10-5 किलो के मछली हो गई तो महाजाल गिरा के अब सारे मछली को खत्म कर देता है एज ए शंकर। तीनों गुण में मछली गई और तीनों गुण में मुर्गा चला गया, मर गया। यही तीन गुण में पूरे सृष्टि के लोग लगे हैं, काम में, लोभ में और क्रोध में।
बंधुओं, माताओं, बहनों, ये तीन गुण छूटेगा तो नहीं, हटेगा तो नहीं, इसको कम किया जा सकता है। प्लस माइनस इजकल टू, प्लस माइनस इजकल टू माइनस। मन है माइनस की ओर जाने वाला, और इस शरीर को अगर मन के साथ हम प्लस कराते हैं, जोड़ते हैं, तो ये मन तन को कहां ले जाएगा? माइनस में। इसका हड्डी तोड़वा देगा ये मन, इसको जेल में बंद करवा देगा, इसको फांसी पर लटकवा देगा। एंड माइनस माइनस इजकल टू प्लस। मन जो घाटा की ओर जाने वाला है, साहब कबीर कहते हैं, चोर भरोसे साहू के वस्तु ले चोराए, पहले साहू को बांध लो कि चोरबाया पे बंध जाए। ये मन रूपी चोरबा जो भी योजना बनाता है, उस शरीर रूपी साहू के बदौलत, साहब कबीर कहते हैं, पहले साहू को बांध लो, पहले शरीर पर कब्जा कर दो कि चोरबा यहाँ पे बंध जाए, तो ये मन रूपी चोर जाएगा कहाँ? जब शरीर जाएगा नहीं तो मन रूपी चोर जाएगा कहाँ? तो कहने का भाव कि सारे लोग कर्म कांड में लगे हैं। गीत गाना कोई ज्ञान कांड नहीं। बहुत गीत गाने वाले को मैं देखा है बीड़ी पीते हुए, बहुत गीत गाने वाले को मैं देखा शिखर खाते हुए, पराग खाते हुए। तो गीत गाने से मात्र ज्ञान नहीं होगा। नाल तबला बजा लेना, ऑर्गन बजा लेना कोई ज्ञान नहीं है, ये कर्म कांड है। बजाने वाले गांजा पीते हैं, दारू पी लेते हैं, तो ये ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। सब लोग किसी देवी देवता का पूजा कर लेना ज्ञान कांड नहीं। पूजा करने के बाद लोग मछली खा लेते हैं, मांस खा लेते हैं, तो वहां ज्ञान नहीं, वहां कर्म कांड। सब लोग कर्म कांड में लगे हैं। कर्म के सात शाखा मैंने बताया, कर्म का अंतिम परिणाम होगा, कर्म से मुक्ति नहीं होती है, कर्म से सुख शांति नहीं मिलती है, कर्म का परिणाम होता है। कर्म का परिणाम क्या होगा? किसी पशु पक्षी जाति में मादा होगी फूल, पशु या पक्षी या कीड़ा मकोड़ा, मादा होगी फूल और नर होगा फल। उस मादा जाति के गर्भ में इस जीव को जो कर्म कांड किया है, कर्म का परिणाम भुगतने के लिए उस मादा जाति के गर्भ में इस जीव को जाना पड़ेगा। अब वहां से शरीर लेके दुनिया में आना पड़ेगा और अपने कर्म का परिणाम इसी दुनिया में रह के भोगना पड़ेगा। कल्याण होने वाला नहीं, कर्म से कल्याण होने वाला नहीं है, ये ब्रह्मा का मार्ग है। सब लोग कर्म कांड में लगे हुए और कर्म कांड करके मुक्ति भी चाहते। और दूसरा है उपासना कांड। उपासना है विष्णु का मार्ग। सारे लोग उपासना में लगे हुए हैं, ध्यान धरते हैं, फास्टिंग करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, उपासना करते हैं। उपासना के सात शाखा हैं, सूर्य, शिव, शक्ति, गणपति, विष्णु, राम और कृष्ण। ये उपासना के सात शाखा है, इनका भी लोग उपासना करते हैं, ध्यान पकड़ते हैं, भोजन छोड़ते हैं, पानी छोड़ते हैं, उपासना करते हैं। यहां भी स्वार्थ छिपी है, यहां भी कुछ मांगना है भगवान से। सारे लोग मांगने के, साहब कबीर कहते हैं, चाह गई, चिंता गई,
मनुआ बेपरवाह, जा को कुछ न चाहिए सो है सहंसा। एक भीख मांगने वाला भिखमंगा जिसका पूरा बदन नंगा है, डांड में एक फटा पुराना कपड़ा पहना है, नाखून इसका हाथ का बढ़ा है, पैर का नाखून बढ़ा है, मूंछ दाढ़ी केस अभद्र रूप से भरा है, इसने धूल कण से भरा हुआ है, बेचारे का पैर नंगा है, पैर में कोई चप्पल जूता नहीं, पेट इसका भूख से पेट में सट गया है। मंदिर के बाहर बैठकर एक पैसा मांग रहा है, ये बाबू एक पैसा दे दे, मैं कई एक रोज का भूखा हूं। और दूसरा भिखमंगा मंदिर के अंदर में जाके बैठा है, अंदर वाले भिखमंगे के शरीर पर 2 लाख का जेवर है, 10-20 हजार का कपड़ा है, वो अंदर बैठा है और ये भिखमंगा बाहर बैठा है। बाहर के भिखमंगे का पेट खाली है, ये पेट भरने के लिए मांग रहा है, अंदर के भिखमंगे का पेट तो भर चुका है, अब ये पेटी भरने के लिए मांग रहा है। साहब कबीर कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता है सोई जना, जो राम नाम धन होए। साहब कबीर ने पूरे जगत को निर्धन साबित कर दिया, पूरा दुनिया निर्धन है, केवल मांगने के चक्कर में ही सब लगा हुआ है, जहां जहां जा रहा है वहां केवल मांगने की बात। एक व्यक्ति था, एक आदमी, उसके पास 2 स्त्री थी, 2 पत्नी थी। अब दोनों पत्नी में बराबर झगड़ा लड़ाई चलता था, बेचारा तंग आ गया, दोनों पत्नी के चाल से वो तंग आ गया, सोचा अब मैं घर पर नहीं रहूंगा। एक मित्र से जाके उसने कहा, मित्र कुछ रुपया मुझको दो किराया के लिए कि मैं कलकत्ता पंजाब चला जाऊं, अब मैं नहीं रहूंगा। कहा क्यों? कहा दिन रात कलह होता है, दोनों पत्नी लड़ रही है दिन रात। कहा तो ये तो कोई अस्थाई समाधान हुआ नहीं, ऐसा करो गांव के बगल में कुछ जमीन खरीद के और एक मकान बना दो, एक पत्नी को यहां रख दो और दूसरे पत्नी को गांव में रहने दो, जहां पुराना घर है वहां, और नया घर बनाओ वहां एक पत्नी को छुड़क दो, दोनों में दूरी बन जाएगा, मुलाकात होगी नहीं, झगड़ा लड़ाई बंद हो जाएगा। ऐसा ही किया बेचारा, गांव के बगल में थोड़ा सा जमीन खरीद कर घर बना दिया और उसमें छोटकी पत्नी को रख दिया और बड़ी पत्नी पुराने घर में रहने लगी। गांव की औरत सब अपने चाल से बाज नहीं आई, कुछ जाके छोटकी को भी पढ़ाती थी और कुछ महिला जाके बड़की को भी पढ़ाती थी। पढ़ने के क्रम में या तो बड़की जाती थी छोटकी के यहां, नहीं तो छोटकी चली आती थी बड़की के यहां। घर तो अलग हुआ लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुआ। अब बेचारा सोचा अब मैं क्या करूं, अब तो घर भी अलग बना के देख लिया। कहा मित्र अब क्या करना है? तो मित्र ने कुछ पैसा दिया, बेचारा टिकट कटाया और पंजाब चला गया। पंजाब गया, 12 बरस तक पंजाब में रह गया, पाया नहीं। इसी तरह माघ महीना कल उतरा है, परसों माघ महीना उतर रहा था,
अब फागुन का आगमन हो रहा था। 12 बरस बीतने के बाद इनकी बड़ी पत्नी पति के यहां चिट्ठी लिख रही है, पति देव आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम, आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूं, न भोजन का दुख है न वस्त्र का दुख है न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है, वो आपके चरण की कृपा है। लेकिन 2 बातों का दुख मेरे जीवन में अवश्य है। वो पहला दुख है जब मैं दिन में सारा काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठती हूं तो पति देव आपका याद आता है, मैं अभी भोजन कर रही हूं और मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आए होंगे, तो मेरे पति को अभी भोजन बना के कौन दिया होगा। और दूसरा दुख, रात्रि में सब काम करने के बाद भोजन के पश्चात जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूं तो आपका याद आता है, मैं अभी सो रही हूं, मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, अभी मेरे पति का सेवा कौन किया होगा। ये 2 दुख बड़ा सता रहा है पति देव। मेरे बातों से अगर दुख न हो तो होली का समय आ रहा है, 2-4 दिन के लिए आओ, दर्शन दे दो और पुनः पंजाब वापस हो जाना। चिट्ठी लिख के और लेटर बॉक्स में गिरा रही थी, गांव के कोई महिला देख लिया और इसके सौतिन को जाके कह दिया, तुम्हारी सौतिन चिट्ठी लिखी है, ऐसा न हो कि होली का दिन है सारा सामान उसी के यहां आ जाए, तुम भी चिट्ठी लिखो। कल होके छोटकी चिट्ठी लिख रही है, छोटकी कैसे लिख रहे, क्या जी 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मुंह में पान चबाते हो, रोड पर गुलछर्रा खूब उड़ाते हो, कुछ याद है 12 बरस से हमारी जिंदगी कैसे कट रही है। याद रख लेना, आगे होली का दिन आ रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से आना है। और मैं चिट्ठी के अंदर एक सूची भेज रही हूं, मेरे लिए साड़ी पेटीकोट ब्लाउज नथिया बाली लॉकेट पायल ऐना कंघी टिकली सेनूर स्नो पाउडर सारे श्रृंगार के सामान का नाम लिखती है। अंत में लिख रही है, याद रख लेना, इस सूची का सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास रहेगा, जिस दिन सामान लेके आओगे मैं अपने सूची से मिलाऊंगी, एक भी सामान अगर कमी आया, एक भी सामान अगर डुप्लीकेट आया तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं गिरेगा। चिट्ठी लिख के गिरा दिया लेटर बॉक्स में, चिट्ठी गया पंजाब, इसके पति के हाथ में डाकिया जाके चिट्ठी दिया, बेचारा पढ़ा, उसको तो दीने में तरेगन दिखाई देने लगा चिट्ठी पढ़कर, डर के मारे डेरा से रुपया लिया गया और दुकानदार को चिट्ठी दिखाया, कहा ठीक से पढ़ लीजिए, नीचे क्या लिखा है उस पर ध्यान दीजिए, ऐसा न हो कि ऐसा सामान न कहीं दे दिया आप कि सारा झाड़ू हमारा पीठे पर लगे, जरा सोच विचार के सामान दीजिए। दुकानदार A to Z सामान
अच्छा अच्छा दे दिया, एक भी कम नहीं दिया, पूरा दे दिया। पॉलीथीन में बंद करके सामान दिया, आया डेरा पर, उसको अटैची में रखा, टिकट कटाया, गाड़ी में बैठ गया। जहां घर था जहां वहां जाके उतरा, स्टेशन से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर इसका घर था। 12 बजे दिन में स्टेशन पर उतरा, उस समय कोई रिक्शा टमटम या कोई गाड़ी नहीं थी स्टेशन पर। बेचारा दोनों हाथ में अटैची लिया और पांव पैदल चल दिया। फागुन के महीने में कुछ गर्मी आ जाती है, पसीना पसीना, वजन था दोनों अटैची में, पसीना पसीना हो गया। जब गांव के निकट पहुंच रहा था, एक महिला गांव के इसे आते देख लिया, इसके बड़ी पत्नी को जाके कह दिया, देखो जी तुम्हारे पति पंजाब से चले आ रहे हैं। बड़की तो समर्पित है पति के साथ, वो दौड़ते हुए गई और पति को पैर छू के प्रणाम किया और दोनों हाथ से अटैची ले लिया। आगे आगे पति देव और पीछे पीछे वो आई गई अपने घर पर। और ईमानदार कितनी है, अटैची दरवाजे पर रख दिया, घर में नहीं ले गई। सबसे पहले पति के लिए एक बिछावन किया, पति देव बैठ गए, थाली में जल लाई, पति देव का दोनों चरण पखार दिया, पोछ दिया और पंखा लेके बैठ गई और पति से कुछ हाल चाल पूछने लगी। इतना ही में गांव के कोई महिला इसो को देख लिया, इसके छोटकी पत्नी को जाके कह दिया, देखो जी दोनों अटैची है तुम्हारे सौतिन के दरवाजे पर, ऐसा न हो कि दोनों अटैची पार हो जाए, जल्दी जाओ। छोटकी आ गई और दूर से कहती है, क्या जी आ गए? तो ही कहा कि हाँ आ गए, जरा सूची निकालो, मैं भी सूची लेके आ रही हूं। सूची निकाला, वो भी सूची लेके आई, सामान को मिलाया, A to Z सामान मिल गया। दोनों अटैची में फिर से सामान को सजा लिया और दोनों अटैची उठा के चल दिया। जब छोटकी पत्नी दोनों अटैची उठा के चल दिया तो बड़की बेचारी खाली हाथ अपने आंगन की ओर चल दिया। जब बड़की अपने आंगन की ओर चली तो पति देव उसके पीछे पीछे चल दिया। गांव की महिला सब उस जगह खड़ी थी, कहती है, क्या जी 12 बरस पर पंजाब से आए हो और 2 पत्नी आपके पास है और 2 अटैची आपने लाया, तो वाजिब क्या था 1 अटैची छोटकी को देना, 1 अटैची बड़की को देना। लेकिन इस होली के समय में आपने दोनों अटैची छोटकी को दे दिया और बड़की के साथ खाली हाथ जा रहे हैं। पति ने जवाब दिया उस औरत से, कहा सुनो, ये जो हमारी छोटकी पत्नी है इसको हमारे सामान से प्रेम है, तो सामान लेके ही जा रही है, और ये जो हमारी बड़की पत्नी है इसको हमारे जान से प्रेम है, इसलिए जान इसके साथ जा रहा है। किसको क्या मिला, समान बड़ा है कि पति बड़ा है? पति किसको मिला, बड़की को, और समान किसको मिला? ये उपासना करने वाले लोग जीवन भर समान की भक्ति करते हैं, बेटा बेटी की भक्ति करते हैं, गाय भैंस की भक्ति करते हैं, नौकरी चाकरी की भक्ति करते हैं,
जमीन मकान की भक्ति करते हैं, बीमारी हमारी की भक्ति करते हैं, यही भक्ति है क्या? यही कल्याण का मार्ग है क्या? जीवन भर उपासना करके और यही भाव भौतिक वस्तु पाने के लिए साहब कबीर कहते हैं, सपने सोया मानवा, इस सारा दुनिया सपना देख रहा है क्या? जब आदमी सपना में सोया रहता है तो देखता है कि हम हाथी पर चढ़े, भारत के प्रधानमंत्री हम हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, 500 बीघा जमीन हमको हो गया, आंख खुलने के बाद रहता है क्या? आंख खुलने के बाद वो जमीन, वो मकान, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो नौकरी रहती है क्या? आंख खुला सपना करो, या हम सपना में देखते हैं कि मैं दरिद्र हो गया, मुझको डाकू ने मार दिया, मुझको सांप ने काट लिया, मुझको बाघ ने खा गया, या मुझको भूत ने मार दिया, मर गए क्या? नींद खुलने के बाद आप मरे होते हैं क्या? आपको सांप काट लिया होता है क्या? आपको बाघ खा गया होता है क्या? आपको डकैत मार दिया होता है क्या? आंख खुली सपना खत्म। उसी तरह से आंख मूंदे, कहते हैं साहब संतो जागत नींद न कीजिए, सब लोग जो सपना देख रहे हैं, बेटा बेटी नाती पोता आ जमीन मकान और नौकरी चाकरी का, ये सपना है, आंख मूंदेंगे आ सारा सपना आपका खत्म। वहां आंख खोलेंगे तो सपना खत्म, आ यहां आंख मूंदे तो सारा सपना आपका खत्म। बेटी छूट जाएगी, दामाद छूट जाएगा, नाती पोता छूट जाएंगे, जमीन मकान छूट जाएंगे, नौकरी चाकरी छूट जाएंगे, और जितना भी बल वैभव है शरीर तक आपका छूट जाएगा, तो क्या देख रहे हैं? क्या भक्ति चल रही है? क्या पूजा आपका चल रहा है? किस लिए आपका पूजा हो रहा है? किसके लिए आपका पूजा चल रहा है? किस देवी देवता का पूजा में आप लगे हैं? कौन देने वाला है? यही उपासना में सारे लोग लगे हुए हैं कुछ पाने के चक्कर। उपासना के भी 7 शाखा हैं, अंतिम परिणाम उपासना से मुक्ति होने वाली नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। उपासना का अंतिम परिणाम होगा कि आपके दिल में इच्छा है कि एक पोता चाहिए, आपके दिल में इच्छा है कि मेरे बेटा को नौकरी चाहिए, आपके दिल में इच्छा है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा सेठ बन जाना चाहिए। इच्छा होगा फूल और समाधान होगा फल। हो सकता है कि आपको पोता की प्राप्ति हो जाए, हो सकता है कि आपके बेटा को नौकरी मिल जाए, हो सकता है आपका बेटा बीए फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाए, लेकिन कल्याण और मुक्ति और सुख शांति होने वाली नहीं है। उपासना का यही अंतिम परिणाम होगा, इच्छा होगी फूल और समाधान होगा फल। ये विष्णु का मार्ग है, इसी मार्ग में सारे लोग लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, इंद्रिय द्वार झरोक खानाना तह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखी विषय बिहारी हठ बस देही कपाट उघारी, इंद्र सुरहन
ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। तब सुप्रभंजन उर गृह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाश बुद्धि विकल भई विषय बतासा। कि शरीर में जितना इंद्रियानी है उस पर देवता लोग थाना बना के बैठे हैं, इनकी पहरा चल रही है, इनका शासन चल रहा है। आंख पर महादेव का वास है, कान पर निरंजन का वास है, नाक पर अद्या का वास है, जिभ्या पर विष्णु का वास है और त्वचा पर ब्रह्मा का वास है। आंख साधु संतों के स्वरूप को, साध्वी के स्वरूप को देखना नहीं चाहती। आंख सिनेमा सर्कस थिएटर नौटंकी विदेशिया सुंदर सुंदर स्त्री का रूप निहारना चाहती। कान पर निरंजन का वास है, कान संतों के शब्द को सुनना नहीं चाहता। कान ज्ञान की बात को, भक्ति की बात को, मुक्ति की बात को, सुख शांति की बात को कान सुनना नहीं चाहता। कान को चाहिए गजल फिल्मी कवाली भोजपुरी सुनना चाहता। नाक संतों के चरण रज को सुनना नहीं चाहता। नाक को चाहिए इत्र फुलेल चमेली बेली जूही गुलाब। जिभ्या साग सब्जी काजू किशमिश बादाम मुनक्का छुहारा खाना नहीं चाहता। इसको चाहिए तारी दारू मांस मछली मुर्गा कबूतर पान बीड़ी सिगरेट सुपारी जर्दा किमाम शिखर बराग चाय। और त्वचा को चाहिए विषय का आनंद। ये पांचों अपना अपना स्वाद चाहता है। यही पांचों की पूजा तो दुनिया के लोग कर रहे हैं, महादेव की पूजा करते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं सत्संग में, हमारी दृष्टि है आपके तरफ और आपकी दृष्टि है मेरे तरफ। लेकिन अभी एक बहुरुपिया इस बीच से निकल जाए तो आपकी और हमारी दृष्टि कहां जाएगी? यहां कहां ले जाएगा? सत्संग में रहने देगा? अभी हम और आप बैठे हैं सत्संग में, अब कोई ऐसा आवाज अगल बगल में हो जाए तो कान कहां ले जाएगा? अभी हम और आप बैठे हैं सत्संग में, अब कोई सुंदर गंध सुगंध आ जाए बीच में, लोग कहेंगे कहां से ही सुगंध आया? सबकी दृष्टि जाएगी उधर। और हम और आप बैठे हैं सत्संग में आ कहीं बढ़िया भोजन का स्वाद आ गया तो जिभ्या भागेगी उधर। और हम और आप सत्संग में बैठे हैं आ कोई सुंदर महिला बीच से निकल जाए तो दृष्टि कहाँ जाएगी? वहां। ये पांचों इसी पांचों का भजन दुनिया के लोग करने में लगे। और साहब कबीर कहते हैं संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे पांच ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक सवादी, कोई काहू के हटा न माने आप हूं आप मुरादी। दुर्मति केर दुहागिन मेटे ढोढ़ई चाप चपेरे, कहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की रागिनी। हम लोग रार की पूजा करते हैं, निवेरा कहाँ है? हम लोग रार के पूजा में लगे। इन
जिन सारे देवी देवताओं का पूजा हम लोग करते हैं, दुनिया के लोग कहता है कि कबीरपंथी, तो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। हम लोग किसको नहीं मानते हैं? क्या गोबर को मान ले, मिट्टी को मान ले, पानी को मान ले, धरती को मान ले, आसमान को मान ले कि यही भगवान है, यही मानना है? इसका नाम मानना है क्या? हम मानेंगे नहीं, हम किसी के बात को नहीं मानेंगे, हम गुरु के बातों को भी नहीं मानेंगे, हम गुरु के बात को जानेंगे। बहुत सारे गुरु लोग भी गलत मार्ग बताते हैं, तो हम मान कैसे लेंगे? गुरु के विचार को हम मान कैसे लेंगे? हम गुरु के विचार को जानेंगे? बंधुओं, माताओं, बहनों, मानने वाले को साहब कबीर ने कहा है गुरु पशु, ये मनुष्य नहीं है, पशु है। गुरु ने जो कुछ कह दिया उसको मान लिया है, जाना नहीं, जानिए। मैंने कहा सारे लोग उपासना कांड में लगे हैं, अन्न छोड़ देते हैं उपासना के चलते, भोजन करना पानी पीना बंद कर देते हैं। भोजन छोड़ने से, पानी पीने से जीव का कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, सतलोक हो जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा, स्वर्ग में चले जाएंगे क्या? ये सब काल के बताया हुआ मार्ग है, सदगुरु कबीर का बताया हुआ मार्ग नहीं। सब लोग काल के मार्ग पर चल रहे हैं, बताए हुए मार्ग पर। कोई कर्म कांड में है तो कोई उपासना कांड में लगे। बहुत सारे लोग जोग कांड में है, महादेव जी का मार्ग है जोग मार्ग, जोग मार्ग में लगे हैं। जोग के साथ शाखा है लय जोग, लंबिका जोग, तारक जोग, असंख्य जोग, अनुमानसिक जोग, हठ जोग और राज जोग। पूरे दुनिया के लोग जोग मार्ग में लगे हैं। कोई प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा रहा है, कोई नेति धोती करके आंत साफ कर रहा है, कोई शूल शयन कर रहा है, कांटा पर सो रहा है, कोई अगहन पूस में जाड़ के दिन में जल शयन कर रहा है, कोई जेठ के गर्मी में पंचाग्नि कर रहा है, कोई भादों में अरण्य निवास कर रहा है, कोई मौनी बाबा बना है, कोई थरेसरी बाबा बना है, कोई निर्जली है, कोई दिगंबरी है, कोई खाकी है, कोई नीराहारी है, कोई दूधाहारी है, कोई पत्र पुष्पाहारी। इससे मुक्ति होती है क्या? इससे जीवन में सुख शांति आती है क्या? इससे मोक्ष होता है क्या? इससे सतलोक होता है क्या? जोग करने से, जोग मार्ग गलत नहीं। साहब कबीर ने भी जोग मार्ग का चर्चा किया है, लेकिन साहब कबीर का जोग मार्ग क्या है? मैंने एक भजन में पढ़ा था, लेकिन भजन कोई गा रहे थे उसमें सुना, जोगाबे कोई जोगिया जोग जति, जोगाबे कोई जोगिया जोग जति, जैसे सोनरा सोना के जोगावे, जैसे सोनरा सोना के जोगावे, घटाए न बढ़ाए ये कोरती, जोगावे कोई जोगिया जोग जति, जैसे बरई पान जोगावे, सरय न गलाए ये कोपति, जोगावे कोई जोगिया जोग जति। जोग का मार्ग है बुरे कर्मों से,
बुरे आदतों से, गलत कर्मों से, पाप कर्मों से अपने को बचा लेना ये योग है, अपने को जोगा लेना ये योग है। खैनी खाते हैं, सुरती खाते हैं और प्राणायाम करते हैं, बीड़ी पीते हैं और कीर्तन गाते हैं, मौनी बाबा बने हैं और शिखर पराग खाते हैं। कहां अपने को जोगा रहे हैं आप? अपने को तो आप बीड़ी पीते, खैनी खाते, शिखर खाते, गांजा पीते हैं, तारी दारू पीते हैं, वासना में फंसाते हैं। आप अपने को बच कहां रहे हैं? अब पूरे देह में कोई राख लगा ले, पूरे देह में राख लगा ले तो जोग हो गया क्या? प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा ले तो इससे मुक्ति हो जाएगी क्या? केश दाढ़ी जटा बढ़ा ले तो इससे मुक्ति हो जाएगी क्या? लंबा चंदन खींच ले जिसे भैंसी देखे तब भड़क जाए तो जोग हो गया क्या? ये सब बाहरी बात है। अपने को जोगाने का मतलब है सारे बुरे कर्मों से अपने को जोगाइए, ये जोग मार्ग है। लेकिन महादेव जी ने जोग मार्ग कैसा बताया? आज सारे लोग जोग क्रिया में लगे हैं, प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा देते हैं, आंत को निकाल कर साफ कर लेते हैं, कोई कहते हैं खराम पहन के गंगा पार कर जाते हैं। एक आदमी का बेटा घर से निकला और वो 12 बरस पर वापस आया तो पिताजी ने पूछा, बेटा 12 बरस में क्या कमाया? कहा, पिताजी मैंने जो कमाया सो कोई नहीं कमाया। कहा, क्या कमाया? मैं खराम पहन के भरी हुई गंगा पार कर जाऊंगा। कहा, तो ठीक है, और हमको नौका पर पार करने में 5 रुपया लगेगा, यही तो कमा के आए हो 5 रुपया। तू ऐसे गंगा पार कर जाओगे, हमको 5 रुपया लगेगा नौका पर, क्या कमा के चले आए बाहर से? सारा लोग जो क्रिया में लगा है, साहब कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारण का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई देह देहरा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई 24 अवतार की पूजा बता दिया, इन भगवानों का पूजा करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान का 10 मुख अवतार बताया है और 14 उप अवतार बताया है। 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं और 14 भगवान स्टेट स्तर के। जो 10 भगवान का मुख अवतार हुआ वह पहला अवतार मत्स्य अवतार है, मछली रूप में भगवान मछली रूप में आए और शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए जो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह रूप में यानी सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए जो प्रहलाद को रक्षा किया, हिरणकश्यपु का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए जो राजा बलि से छल किया और 3 डेग जमीन के नाम पर 1 लात में पताल को भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए
जो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से माता का गर्दन काट लिया, साथ में भगवान राम रूप में आए, जो सेत बांध रामेश्वर बांध कर पार उतर कर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया, 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए, जो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आप ब्रह्मचारी माना गया, 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए, जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया, और 10वें भगवान आए नहीं आने वाले हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराए। इन अवतार बाद की पूजा ये भोली भाली जनता से करवाया गया। साहब कबीर कहते हैं 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कह जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो उपजय खपैसो दूजा। माया की पूजा, माया ने जो खेल किया, माया ने जो तांडव किया, उसकी पूजा आज मानव कर रहा है मुक्ति पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। और 14 उप अवतार है, उसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ, दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ, तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ, चौथा अवतार हंस अनकादि का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ, 5वां अवतार विश्व मोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ, 6वां अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया, 7वां अवतार वेद व्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया, 8वां अवतार दत्तात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया, जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए, 9वां अवतार राजा पृथु का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दुहा और औषधि निकाला, 10वां अवतार है गरीब का है जो मधु कैटव दैत्य को मार के गिराया, 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ, 12वां अवतार सनकादि का है जो विचार करने के लिए हुआ, 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ, 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ, ये सारे दुनिया के हिंदू समाज इसी 2400 माया ने जो तांडव किया उसी तांडव की पूजा, इसी 24 अवतार की पूजा करने में सारे लोग, कोई लीला 24 अवतारण का, कोई कहता तीर्थ, कोई तीर्थ में गए मुक्ति पाने के लिए, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रट का, कुछ नहीं केवल राम के नाम का जाप करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा निमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का, कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेस किया सब खाने का, खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शिला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई पीर बने फकीर नहीं,
कोई नेती धोती हाथ पखारे, उल्टा पवन चढ़ाने का कोई खट चक्र को भेदे, त्रिकुटी में ध्यान लगाने का कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल, शब्द वहां नहीं जाने का कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई सात सूरत कोई सात कमल कोई सात शून्य तक जाने का, कोई रणंकार ओहंकार निरंजन सोहं शक्ति जमाने का, कोई क्षर कोई अक्षर कोई नियक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का, कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप अपाने का, आप मेट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहने का, यहाँ वहाँ मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने। किसने कहा कल्याण की बात, किसने कहा ठिकाने की बात, किसने कहा मुक्ति की बात, किसने कहा सुख शांति की बात। सब लोगों ने बात कही है, लेकिन सबसे ऊपर हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, हाथी के पांव में सबके पांव। जैसे हाथी सड़क पर जा रहा है और हाथी के पैर का पद चिन्ह उग गया, उस पर दुनिया के किसी भी जानवर का अगर पैर रखा जाए तो हाथी के पैर से बाहर वो नहीं हो सके। इस तरह से कबीर के बाणी से कबीर के ज्ञान से बाहर इस दुनिया के अंदर किसी का ज्ञान नहीं, किसी का विचार नहीं है। बंधुओं, आज लोग जोग कांड में लगे हैं, कुछ तो कर्म कांड में लगे हैं, कुछ तो उपासना कांड में लगे हैं। कर्म कांड ब्रह्मा का मार्ग है, उपासना कांड विष्णु का मार्ग है और जोग कांड महादेव जी का मार्ग। सब लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं भोला बाबा के बैनाथ धाम, जोग करते हैं। जोग से मुक्ति नहीं होगी, जोग से सुख शांति नहीं होगी, जोग से मोक्ष नहीं होगा, जोग का अंतिम परिणाम होगा और इस जीव को परिणाम भोगना पड़ेगा। जोग का परिणाम क्या होगा? समाधि होगा फूल और सिद्धि होगी फल। समाधि में जाइए, कुछ तंत्र मंत्र सीख लीजिए, मदारी लोग भी देखिए खेला दिखा के अपने बाल बच्चा को पाल लेता है, उस तरह से आप भी कुछ तंत्र मंत्र जोग सिद्धि कीजिए और कहीं जाके झाड़ फूर ओझा वैद्य वाला काम कीजिए और पैसा कमाइए और उसे बाल बच्चे को पोसिए पालिए, मुक्ति और सुख शांति नहीं हो सकती, इससे कल्याण नहीं होगा। चौथा है ज्ञान मार्ग। सारे ऋषि महर्षि ने ज्ञान मार्ग लोगों को दिया है। ज्ञान मार्ग क्या है? मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, तारी दारू नहीं पीना, गांजा भांग नहीं पीना, प्राय स्त्री गमन नहीं करना, दूध में पानी नहीं मिलाना, आटा में चोकर नहीं मिलाना, घी में डलडा नहीं मिलाना, किसी को गाली नहीं देना, ये सब ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से आपने चला है तो ज्ञान मार्ग से मुक्ति होगी। सारे ऋषि का मार्ग है ज्ञान मार्ग। तुलसीदास जी ने भी कोई मांस मछली खाने के लिए नहीं कहा, सूरदास जी भी नहीं कहा,
नानक जी ने भी नहीं कहा, रविदास जी ने नहीं कहा, सुपच भगत जी ने नहीं कहा, सबका है ज्ञान मार्ग। लेकिन ज्ञान मार्ग से तो चलते हैं, लेकिन एक ईश्वर की कल्पना तो करते हैं। कहीं ना कहीं मेरा मालिक बैठा है, कहीं ना कहीं मेरा परवरदिगार बैठा है, उसके फेर में तो आप पड़े हैं। ज्ञान से चलते जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप फेर में पड़े हैं। उससे भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है, ज्ञान मार्ग से भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, मेरा कल्याण नहीं होगा। यह गर्भ और श्मशान आने और जाने की जो व्यवस्था है वो हमको नहीं छोड़े। साहब कबीर का एक भजन है, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। कैसे जाओगे अपने घर, डगर तो भुला गया, डगर तो छूट गया। पंथ चलत के ते दिन बीते, ढूंढने कन भाओ। पंथ चलत के ते दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव। नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाओ। डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। डगर क्या है हमारा अपने घर जाने का, वो डगर भुला गया, यही पकड़ा गया कर्म का मार्ग, पकड़ाया उपासना का मार्ग, पकड़ा दिया गुरु लोगों ने योग का मार्ग। कहा पंथ चलत के ते दिन बीते, गर्भ और श्मशान ये दोनों जगह शरीर पकड़ते और छोड़ते, शरीर पकड़ते और छोड़ते, युग बीत गया, लेकिन मैं जहां से आया आज तक हमारी वापसी नहीं हुई। यही गर्भ श्मशान के चक्कर में हम आज तक लगे रह गए। शरीर बार बार पकड़ना, विभिन्न जोनी का शरीर पकड़ना और शरीर छोड़ देना, शरीर पकड़ना और शरीर छोड़ देना, यही मेरा डगर बना रहा। कहा पंथ चलत के ते दिन बीते, ये रास्ता चलते चलते गर्भ श्मशान का रास्ता तय करते करते युग बीत गया। ढूंढ अनेकन भाव, और मैं भी रास्ता खोजते रह गया, रामानंदी बने कि कबीरपंथी बने, कि आर्य समाज में जाएं कि आनंद मार्ग में जाएं, कि गायत्री परिवार में जाएं, कि बाल जुगेश्वर में जाएं, कि सतपाल जी में जाएं, कि सदा फलदेव जी में जाएं, कि बाबा जय गुरुदेव में जाएं। आज तक मनुष्य रास्ता खोज रहा है। सदगुरु कबीर कहते पंथ चलत के ते दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मन हारे। नाना प्रकार के कर्म, कुकर्म और सुकर्म, तीनों करते करते अंत में ये मन हार गया है, अंत में रो रहा है, मरने के समय आंख से आंसू गिर रही, सारा कुछ करने के बाद। नाना कर्म करत मन हारे, उदाहरण देते हैं साहेब कबीर। आज हम लोग मैट्रिक में पढ़े थे इस उदाहरण को, मैट्रिक में पढ़ाई हुआ मृग तृष्णा, जिसे मरीचिका भी कहते हैं,
जब जेठ के महीने में सारे नदी नाला कुआं तालाब सूख जाते हैं, पानी कहीं नहीं है, जेठ की दोपहरी 12 बजे दिन प्यास से विचलित होकर वो मिर्गा जब जंगल से निकलता है तो मिर्गा की दृष्टि जेठ के दोपहरी पर चमकते हुए रेता बालू पर पड़ता है। जेठ की दोपहरी में वो बालू रेता चकमक 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 करने लगता है। वो चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि पड़ती है तो मिर्गा सोचता है शायद वहां पानी है, जाऊं अपने प्राण को बचाऊं। मिर्गा दौड़ के वहां जाता है। वहां गया तो क्या मिला? बालू, वहां कोई पानी नहीं। मिर्गा वहां जाकर पश्चाताप करता है, अब मैं क्या करूं। फिर मिर्गा अपने दृष्टि को आगे बढ़ाता है। आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि जाती है, मिर्गा वहां दौड़ के जाता है, वहां पानी दिखाई दे रहा है, वहां जाके अपने प्राण को बचाऊं। मिर्गा दौड़ के वहां गया, वहां भी केवल बालू है। मिर्गा गया और वहां अपने प्राण को तज देता है। वैसे ही दुनिया के लोग नाना प्रकार के तीर्थ स्थानों में भगवान को खोजते खोजते दौड़ लगाते लगाते मिर्गा के तरह दौड़ते दौड़ते दिग्भ्रमित होकर अंत में अपने प्राण अपना शरीर छोड़ देते हैं। जैसे मिर्गा बालू के चकमकाहट को पानी समझ तक कर दौड़ते दौड़ते अपना प्राण अंत में तज दिया, वैसे मानव भी भगवान देवी दुर्गा के पाने के फेर में दौड़ते दौड़ते पूजते पूजते अंत में अपना देह छोड़ देता है, रोते रोते मर जाता है। साहब कबीर कहते हैं, अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे चतुर न पावहि ठाउं, जेहि पूछौ सो नाम बतावे नाही दिखावे गाँव डगरिया भूल गई। कहते हैं वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, वेद पुराण पढ़ते पढ़ते पंडित लोग हार गए, पढ़ाते पढ़ाते हार गए। इनका तो आदत अपने ठीक नहीं है, अपना चाल चलन। पंडित लोग अपने मछली भात खा लेते हैं, मांस भात खा लेते हैं, दारू तारी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जर्दा की माम खाते हैं। जजमान को कैसे सतलोक ले जाएंगे और बैकुंठ ले जाएंगे और स्वर्ग में ले जाएंगे? बंधुओं, ये झूठ है। स्वर्ग की कल्पना झूठ है, बैकुंठ की कल्पना झूठ है, सतलोक की कल्पना झूठ है। सदगुरु कबीर कहते, नर तू पार उतर कहां जई हो, अरे जाना कहां चाहते हो। नर तू पार उतर कहां जई हो, आगे पंथी पंथ ना कोई कूच मकान न पई हो। आ कहे कबीर, सुनो भाई साधो, जहां के पद तहां ठहरई। जाना कहां चाहते हो, कहां स्वर्ग है, कहां सतलोक है, कहां बैकुंठ है, जहां जाना चाहते हो। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे चतुर न पावहि ठाउं, ये चलाक हैं, ये ठक हैं, ये पैसा केवल ठकना चाहते हैं। इनको तो अपना ठाउं मिलवे नहीं करेगा, जगत्र को कैसे ही भेज देंगे। अंत में साहब कबीर कहते हैं, यही पूछो सो नाम बतावे। जितने लोगों से मैंने पूछा वो सारे लोग नाम की चर्चा करते हैं, नाम दान ले लो, नाम दान ले लो, नाम दान ले लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति हो जाएगी। ये गांव क्या है, बाजार है, बोरसी। मान लीजिए कि हम जानते हैं शीतल दास या शीतल साहेब, हमको पता है, या सीता बहन जी आयोजक है,
उनका नाम मैं जान गया, लेकिन न हमको पता है दुर्ग और न हमको पता है बोरसी, तो हम सीता बहन जी के यहां आ जाएंगे क्या? नाम से केवल बिहार से आ जाएंगे, मिल जाएगी? तो नाम के पीछे गांव होना अनिवार्य है। तो नाम की चर्चा तो सब गुरु लोगों ने किया, अब गांव की चर्चा किसने किया है? अब बिना नाव बिना गांव का नाम वाला आदमी मिलेगा नहीं, क्योंकि उस नाम का बहुत लोग होगा, तो कैसे हम उस आदमी से मिल सकेंगे? साहब कबीर कहते हैं, जय पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे गांव। नाम की चर्चा सब लोग करते हैं, हर पंथ में नाम दान दिया जा रहा है, यही है मुक्ति का मंत्र। बहुत जगहों में कबीर पंथ में भी नाम दान दिया जा रहा है, यही है मुक्ति का मंत्र। नाम है क्या? साहब कबीर कहते हैं, पांच तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव, अब मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। कौन बड़ा होगा, शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? हाँ, तो शब्द से बीजक में साहब कबीर कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द हमारा कहने का मतलब, शब्द आया कहां से, शब्द की उत्पत्ति कहां से है? हाँ, सारे शब्द जितना कोर्स का किताब है, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, या वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, कुरान, पुराण, बाइबिल, ये सारे किसने लिखा? मानव ने लिखा। किसकी बात लिखी गई? तो मानव की आत्मा की बात लिखी गई। साहब कबीर कहते हैं, शब्द हमारा गुलाम है, शब्द हमारा और तू शब्द का, और ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम बन गया। शब्द हमारा तू शब्द का, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा विस्तार रूप से, शब्द की चर्चा। ये सारे लोग शब्द जाप करने में भिड़े हुए हैं। जही पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे गांव डगरिया भूल गई। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, भर्म के पंथ परा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। नहीं कहे कबीर, सुनो भाई साधो, भर्म के पंथ परा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, छोड़ भरम घर आओ डगरिया भूल गई। केवल भर्म को छोड़ना है और अपने घर वापस आना है, कोई हैरानी नहीं, कोई खर्च नहीं। छोड़ भरम घर आओ, जिस घर से गए हो उस घर आना चाहते हो तो केवल भर्म को छोड़ दो और अपने घर वापस आ जाओ। कहने का मतलब, अगर ज्ञान मार्ग से आप चलते हैं तो अंतिम परिणाम, इसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, इसे भी मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान मार्ग का अंतिम परिणाम होगा, स्त्री होगी फूल और पुरुष होगा फल। तब तो आपको मां के गर्भ में जाना पड़ेगा 9 महीना के लिए, यही अंतिम परिणाम मानव जोनी फिर आपको मिल जाएगा। ज्ञान मार्ग से चले मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। स्त्री फूल होगी, किसी पेड़ में पहले फूल लगता है तब फल, वो फूल होगी, अब वहीं से हम लोग निकले हैं, उसी फल से ही फल निकला है। स्त्री फूल होगी और पुरुष फल होगा, लेकिन 9 महीना के गर्भ में जाके उल्टा टंगाना होगा, पैर ऊपर, मुंह कान नाक नीचे, कोई हवा ब्यार वहां मिलेगा नहीं, यह दंड सहना होगा। फर्क है कि मनुष्य का जोनी फिर दोबारा मिल जाए। ज्ञान मार्ग पांचवा है आत्मज्ञान मार्ग। आत्मज्ञान मार्ग से
आपका आना जाना बंद हो जाएगा। इसके भी सात शाखा हैं, सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार, ज्ञान, वैराग्य। सात शाखा हैं आत्मज्ञान के। आत्मज्ञान का मतलब है कि मांस तो आप नहीं खाते हैं, मछली तो नहीं खाते हैं, चोरी दलाली तो नहीं करते हैं, लेकिन पत्नी को गाली देते हैं, पत्नी को मारते हैं, सांड भैंसा खेत में जाए उसको भाला मारते हैं, कुत्ता को मार देते हैं, सांप को मार देते हैं बिना काम के। यह आत्मज्ञान है आपके पास, सबसे बड़ा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो कल्याण होना मुश्किल है। आपने जो गाली दिया पत्नी के, तो आपको ये अंदाज है कि आपके पत्नी में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है, आपके गाय में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है, कुत्ता में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है, आपके मम्मी में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है। ये ज्ञान जब तक मनुष्य को नहीं होगा, जब भगवान राम बाली को मारे थे तो बाली की पत्नी थी तारा, तारा अपने दुल्हा को गोद में लेके विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा बिकल देखि रघुराया, दिन्ही ज्ञान हर लिन्ही माया। भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा तू क्यों रो रही है, तो तारा कहती है, प्रभु मैं पति के वियोग में रो रही हूं। तो भगवान राम ने पूछा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा जो पंच तत्व से बना हुआ, तत्व चारे माने गए हैं लेकिन आकाश को लोग मान लेते हैं, जिस पंच तत्व से बना हुआ शरीर, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर था, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो शरीर तुम्हारा दुल्हा था, जिस शरीर से तुमने सुख लिया, वो शरीर वो दुल्हा आज भी तेरे गोद में पड़ा है। तुम रोती हो क्यों, दुल्हा तो तुम्हारे गोद में। तो तारा कहती है, प्रभु दुल्हा मेरे गोद में है लेकिन एक शब्द बोलता नहीं। तो भगवान राम ने कहा, तारा ये बोलबा नित है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है, अजन्मा है और अनामी है। ये बोलने वाला तेरा दुल्हा नहीं था, ये बोलने वाला न किसी का दुल्हा है, न किसी की दुल्हन है, नहीं किसी का दादा है, नहीं किसी का पोता है, नहीं किसी का नाना है, न किसी की नानी है, नहीं किसी का मौसा है, न किसी की मौसी है, नहीं किसी का भैया है, न किसी की भाभी है। भैया होता है देह और भाभी होती है देह। मर्द वाला देह होता है भैया, औरत वाला औरत वाली देह होती है भाभी। मर्द वाला देह होता है पति, औरत वाली देह होती है पत्नी। मर्द वाला देह होता है दादा, औरत वाली देह होती है दादी। अब बोलने वाला तो जो दादा में वही दादी में, जो नाना में वही नानी में, जो पति में वही पत्नी में, जो गाय में वही भैंस में, और जो कुत्ता में वही गिदड़।
ये है आत्मज्ञान। साहेब कबीर बताए ये आत्मज्ञान मानव को जिस दिन हो गया कि हर घट में रहने वाला वही परमात्मा की सत्ता है, हर घट में रहने वाला वही परमात्मा की सत्ता है, किसको मारना चाहते हैं, किसको गाली देना चाहते हैं, किसको ठग देना चाहते हैं, किससे दलाली खाना चाहते हैं, किससे घूस लेना चाहते हैं, सब घट में तो आप ही रह रहे हैं। ये ज्ञान जिस दिन मनुष्य को हो गया ये धरती स्वर्ग बनेगी। स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, स्वर्ग है कहां, ये धरती स्वर्ग हो जाएगा उस दिन जिस दिन मनुष्य को, साहब कबीर ने कहा, अरे आत्म ज्ञान बिना सब सुना। सारा ज्ञान विवेक सुना है, सारा पूजा त्योहार सुना है, सारा तीर्थ व्रत सुना है आत्मज्ञान के बिना। आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनी सुनिया बतहासी, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनिया बतहासी। एक आत्मज्ञान के बिना ये धरती जल रही है, धरती की दुर्गति हो रही है, कहीं अनाचार कदाचार बेविचार बलात्कार भ्रष्टाचार नरसंहार। एक आत्मज्ञान के जहां आत्मज्ञान नहीं है, सारे पत्थर पानी का पूजा करते करते उस व्यक्ति को अंत में नरकगामी बन जाना पड़े। एक आत्मज्ञान के अभाव, अगर आत्मज्ञान है तो आप समझेंगे मेरा मेरे पिता में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरी माँ में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरी पत्नी में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरे बेटा बेटी में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरे गाय भैंस में वही सत्ता है जो मुझ में है। आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे, सब घट प्राण हमारो चोट काही पर डालो। किस पर चोट पहुंचाना चाहते हो, किसको दुख देना चाहते हो, किसको ठक लेना चाहते हो, किसका बेईमानी कर लेना चाहते हो, किसको गाली देना चाहते हो, हर घट में तो वही बैठा। ये है आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य का कल्याण होना असंभव है। एक दृष्टांत देके अपने वाणी को विराम लूंगा। बंधुओं, एक पादरी जी थे। पादरी जी नित प्रतिदिन गिरजा घर पर जाकर प्रवचन दिया करते थे, ए दुनिया के लोग भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। प्रवचन चलता रहा। दो चार छह महीना के बाद एक पारखी संत पहुंच गए पादरी जी के निकट। कहा, पादरी जी, छह महीना से आपका मैं प्रवचन सुन रहा हूं, आप नित प्रतिदिन इस बात को दोहराते हैं कि भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज मैं यही दोनों बात का जवाब आपसे लेने आया हूं। कहा, बोलो। तो जो भगवान पर विश्वास करे, रात दिन भगवान का पूजा करे, अर्चना करे,
ध्यान करे, कथा कीर्तन करे और वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? और जो कुछ न करे, जो कुछ न करे भगवान के लिए, कोई पूजा अर्चना न करे, कोई ध्यान भगवान का न करे, कोई कथा कीर्तन न करे, कोई नाम का जाप न करे, और केवल कर्म बढ़िया करे, उसकी क्या गति होगी? पादरी का ही तो मैं नहीं जानता हूं। कारे तो तू ही रोज प्रवचन करते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तो कल से तुम्हारा प्रवचन क्यों होगा? खबरदार, प्रवचन बंद रखो। पादरी जी को तो बड़ा कष्ट हो गया, दुख हुआ। उस साधु से कहा, साधु जी 2 दिन का छुट्टी हमको दीजिए आप, और बूझ विचार के आपको हम जवाब दे देंगे। साधु जी ने कहा, 2 दिन नहीं, मैं आपको 5 दिन का छुट्टी दिया, जाइए और बूझ विचार के जवाब दीजिए। पादरी जी अपने घर गए और नित प्रतिदिन शाम में भोजन करके बिछावन पर जाते थे और वो चिंतन करते थे जवाब के लिए। जवाब आया नहीं, 11-12 बज गया रात, निद्रा आई और पादरी जी सो गए। 4 रात ऐसे सोने में बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज अंतिम 5वां रात है, आज पादरी जी गहरी चिंतन में पड़े हैं। कल वो कबीरपंथी साधु हमसे जवाब मांगेगा, जवाब कुछ आया नहीं। आज बिल्कुल गहरी चिंतन में, चिंतन करते करते 3:30 बज गया भोर, कोई जवाब नहीं है। निद्रा आई और पादरी जी सो गए, सपना देखने लगे। अर्ध निद्रा में गए और सपना देखने लगे। मैंने पहले कह दिया, सपना की बात सांच नहीं होती, ये दृष्टांत है, इसको आप लोग सिद्धांत नहीं समझेंगे। हमारा सिद्धांत झूठ बोलना नहीं है, हमारा सिद्धांत किसी को बलगलाना, हमारा सिद्धांत चमत्कारी बात बोलना, हमारा सिद्धांत किसी को श्राप देना, हमारा सिद्धांत किसी को वरदान देना, ये हमारा कबीर का सिद्धांत नहीं, ये दृष्टांत है। दृष्टांत कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन सिद्धांत कभी गड़बड़ नहीं होगा। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो जमराज आया। जमराज कहा, पादरी जी अब आप तैयार हो जाइए चलने के लिए, आपकी बारी आ गई। पादरी जी ने जमराज से पूछा, हमको कहां ले चलिएगा? तो जमराज कहा, आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी जी के मन में तो खुशहाली आई, कहा ठीक है, अब 5 मिनट में आ जाइए, तब तक मैं तैयार हो जाता हूं। 5 मिनट में जमराज महोदय आए, पादरी जी से कहा, पादरी जी अब चलिए, समय हो गया। पादरी जी ने कहा, एक बात आपसे और जानना है। कहा, जल्दी पूछिए। कहा, स्वर्ग की विशेषता कुछ हमको बता दीजिए। जमराज ने कहा, पादरी जी स्वर्ग में कभी रात्रि नहीं होती है, 24 घंटा दिन प्रकाश एकदम। स्वर्ग के लोग भात रोटी साग सब्जी नहीं खाते हैं, पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश मुनक्का। स्वर्ग के लोग झोपड़ी मरैया एस्बेस्टस टीन के चदरा में नहीं रहते हैं, 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान। स्वर्ग में कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन होता है, स्वर्ग में कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन होता है, स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे, स्वर्ग में कहीं कहीं सुंदर सुंदर फल के लाल लाल पीले फल मिलेंगे, ये विशेषता है स्वर्ग की। पादरी का मन तो गदगद हो गया, कहा चलिए अब जमराज और पादरी जा रहे हैं स्वर्ग में। जब स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है, चारों तरफ झोपड़ी खपरा एस्बेस्टस टीन के चदरा का घर है, चारों तरफ लोग
साग रोटी, अलुआ सुथनी जनेरा मरुआ, ज्वार बाजरा की रोटी लेके झक मार रहे हैं। कहीं शिवरी मीरा अनुसुईया का भजन नहीं है, कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन नहीं है, कहीं सुंदर फूल के बगीचे नहीं है, कहीं सुंदर फल के बगीचे नहीं है। पादरी ने कहा, जमराज से कितना झूठ बोलते हो आप। कहा, स्वर्ग ले चलेंगे, यही आपका स्वर्ग है। कहा, एक काम कीजिए, आपका स्वर्ग तो मैं देख लिया, अब जरा सा हमको नरक तो दिखाइए, नरक किधर है। जमराज ने कहा, नरक देखोगे क्या। कहा, जी चलो। नरक में गए तो नरक में जाते से देख रहे हैं, बिल्कुल प्रकाश है, दीन है, और चारों तरफ 10-20 महल का एयर कंडीशन मकान झलक रहा, चारों तरफ लोग पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश खा रहे हैं, कहीं शिवरी मीरा अनुसुईया का भजन हो रहा है, कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन चल रहा है, कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे हैं, कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे हैं। पादरी ने कहा, जमराज से कितना झूठ बोलते हो आप। जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा वो स्वर्ग से बढ़कर है, ऐसा क्यों। तो जमराज ने जवाब दिया, ए पादरी जी, आपके जैसे लोग जो जीवन भर भगवान पर विश्वास किया, रात दिन भगवान का पूजा किया, कर्म एक भी बनिया नहीं किया, वे सारे लोग आकर ईश्वर को नरक बना के रहे। आज तो वही हाल है, मंदिर जाने वाले को देखिए तो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, डंटी मारते हैं, घूस खाते हैं, यही तो चल रहा है। और सारा पाप कटाने के लिए मंदिर चले जाते का, ये सारे लोग आकर ईश्वर को नरक बनाया है। और बुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग, जो अपने कर्म का भरोसा किया, भगवान का भरोसा छोड़ के केवल अपना कर्म बढ़िया किया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बना के रखा है। राम बोलाबा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन कर्म आदमी का ठीक हो जाए, स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, स्वर्ग उतर के आपके निकट आएगा।